Hey guys, what's up? I'm back with another new video. आज हम फिर से खेलने वाले ODI World Cup Heroes. आज का मैच होने वाला है वेस्ट इंडीज के साथ पाकिस्तान का. बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है, लेकिन मैं यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से खेलूंगा. कोई कुछ कमेंट नहीं करेगा, ठीक है? मैं पाकिस्तान की तरफ से खेलने वाला हूँ इसीलिए, क्योंकि पाकिस्तान का यहाँ पर अवे मैच है, राइट साइड पे है. आपको पता ही होगा वन डे वर्ल्ड कप हीरोज पे मैं अवे टीम के तरफ से खेलता हूँ, मतलब जिस टीम राइट साइड पे होता है उस टीम के तरफ से खेलता हूँ. तो यहाँ पर पाकिस्तान का अवे मैच है, तो इसीलिए मैं पाकिस्तान की तरफ से खेलने वाला हूँ. तो चलो, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मैच को शुरू करते हैं. दोनों कप्तान यहाँ पर आ चुका है टॉस करने के लिए. पाकिस्तान ने हेड्स का, तो देखते हैं क्या गिरता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है टॉस, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक मैच पे. एंड यहाँ पर पाकिस्तान टॉस जीत चुका है, तो मैं पहले गेंदबाजी लूंगा. ओके, पाकिस्तान यहाँ पर टॉस जीतने के बाद बॉल करने का फैसला किया. पहला गेंद यहाँ पर वासिम अकरम के तरफ से, स्ट्राइक पे फेड्रिक्स है. एंड यहाँ पर पहला गेंद उठा के शॉट मारा फेड्रिक्स ने, पीछे फील्डर तो है, पकड़ लेना चाहिए. ओके, पहला गेंद पे यहाँ पर दो रन मिलता हुआ, बहुत ही बढ़िया शॉट था पहली गेंद पे. चौथी गेंद थी शोफर का. एंड यहाँ पर चौथी गेंद पे बोल्ड, वासिम अकरम यहाँ पर बोल्ड कर दिया बिनिच को. बढ़िया गेंद था, इंचिंगी गेंद था, शॉट खेलने की कोशिश किया था, बैट के यहाँ पर इनसाइड टच लगा एंड बोल्ड हो गया भाई. बढ़िया इंचिंग वासिम अकरम, तो वैसे ही स्विंग ऑफ स्विंग है, स्विंग बहुत ही अच्छे से करता है. यहाँ पर ग्रीन इंच आउट हो चुका है, जीरो रन बना के. चौथी गेंद यहाँ पर जावेद के तरफ से एंड ओके. अरे यार, कोई भी स्लिप नहीं था, अगर स्लिप होता तो कैच जरूर होता, लेकिन स्लिप नहीं था. दूसरा गेंद यहाँ पर एंड आउट 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 भाई, आउट है क्योंकि एज लगा है, मैंने गुगली किया था पढ़ नहीं पाया. एंड यहाँ पर अंपायर जो आउट करा दिया है, यस भाई यस, बहुत बढ़िया गेंद है. तो यहाँ पर रॉय फेड्रिक्स 12 रन बना के आउट हो चुका है. इमरान खान उनका दूसरा ओवर लेकर आया है. एंड दूसरा ओवर का पहला गेंद यहाँ पर एज लगा, लेकिन कोई नहीं, फील्डर आया भाई. वेस्ट इंडीज को अगर मैच जीतना है तो और भी हिटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही कम रन है. एंड यहाँ पर एज लगा, फील्डर तो है, तो बढ़िया गेंदबाजी हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से, ये मानना पड़ेगा. वेस्ट इंडीज को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हिटिंग करने की जरूरत है, क्योंकि 7 ओवर में से 25 ही रन बना पाया. एंड यहाँ पर पहला गेंद पे भी हल्का हाथ से गला, ये भी रहेगा डॉट गेंद. सिर्फ 3 ओवर बाकी है. लास्ट गेंद है शोफर का, कालीचरण स्ट्राइक पे है. एंड यहाँ पर ओके भाई, दोनों पैर के गैप से यहाँ पर 4 रन मिलता हुआ कालीचरण को. शॉट खेला था, एज लगा था, दोनों पैर के गैप से चला गया 4 रन. यहाँ पर लास्ट ओवर चल रहा है, कम से कम 50 रन तो बना ले भाई, 37 है. एंड यहाँ पर स्वीप शॉट, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ता है, सिर्फ 1 रन मिला है इस वाली गेंद से. लास्ट बॉल है इस इनिंग्स का. एंड यहाँ पर लास्ट बॉल पे घुमाया तो है, लेकिन फील्डर है फाइनल पे, तो सिर्फ 1 रन मिलता हुआ लास्ट वाला गेंद से. यहाँ पर वेस्ट इंडीज ने सिर्फ 42 रन बना पाया 10 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पे. एंड यहाँ पर भाई कालीचरण ने क्या भाई क्या किया, 18 गेंद पे 14 रन बनाया. एंड रोहन ने 16 गेंद पे 13 रन बनाया. एंड रॉय फेड्रिक्स ने 15 गेंद पे 12 रन बनाया. कोई भी ज्यादा रन बना नहीं पाया. एंड यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से वासिम अकरम बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी किया, सभी ने बढ़िया गेंदबाजी किया. तो पाकिस्तान को इस वाली मैच जीतने के लिए चाहिए यहाँ पर 43 रन 10 ओवर में, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. तो चलो यहाँ पर बैटिंग देखते हैं पाकिस्तान का. पहला गेंद है यहाँ पर रॉबर्ट्स के तरफ से, स्ट्राइक पे सोहेल है. एंड यहाँ पर पहला, ओ भाई साहब, पहला गेंद पे ही यहाँ पर जाते जाते बच गया, क्लास शॉट खेलने की कोशिश किया था, टाइमिंग नहीं कर पाया. मैच जीतने के लिए यहाँ पर 28 रन चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक उठाने वाला हूँ, देखता हूँ क्या होता है. उठा तो दिया, अरे फील्डर को बीट करे, कर जा भाई कर जा. अरे यार, फील्डर के हाथ में यहाँ पर मार दिया. एंड पहला विकेट गिरता हुआ पाकिस्तान का भाई, बढ़िया गेंद था, मैंने उठाने की कोशिश किया था, टाइमिंग कर नहीं पाया. एंड यहाँ पर फील्डर को मैंने कैच दे दिया. आमिर सोहेल यहाँ पर 7 गेंद पे 2 रन बना के आउट हो चुका है. अभी बैटिंग करने के लिए आ रहा है कप्तान इमरान खान. लास्ट गेंद थी शोभर का, इमरान खान स्ट्राइक पे है. एंड यहाँ पर उठाया भाई कैच, अरे यार गैप पे क्यों नहीं जा रहा है भाई. दूसरा विकेट गिरता हुआ, यारे यार शॉट में कहाँ पर खेलने गया था, कहाँ पर शॉट खेल दिया क्या ही बताए. अभी बैटिंग करने के लिए आ रहा है जावेद मियार. लास्ट गेंद था इस ओवर का, तो मैं ध्यान से खेलने वाला हूँ. ओ क्या गेंद था यार, बहुत मस्त गेंद था. 19 गेंद पे 18 रन चाहिए, मैच यहाँ पर इंटरेस्टिंग हो चुका है. तो इस वाली गेंद पे मैं उठाने वाला हूँ, जो भी होगा दिखा जाएगा. एंड यहाँ पर उठा तो दिया, पीछे फील्डर है, कैच मत कर लियो. ओके, सिर्फ 1 रन मिलता हुआ भाई, छक्का जाना चाहिए था. दूसरा गेंद यहाँ पर क्लाइव लॉयड के तरफ से. एंड अरे यार इतना स्लो गेंद भाई, 105 किलोमीटर पर आवर भाई, स्पिनर के जैसा गेंदबाजी कर रहा है. तीसरा गेंद भाई, मैच यहाँ पर इंटरेस्टिंग हो चुका है. 14 रन चाहिए 13 गेंद पे, उठाने वाला हूँ मैं इस वाली गेंद पे भाई साहब.
कितना स्लो कर रहा है भाई, टाइमिंग ही नहीं हो रहा है, इतना स्लो गेंदबाजी कर रहा है। चौथी गेंद था इस ओवर का, भाई उठा दे भाई, एक उठा दे, उठा तो दिया लेकिन कैच। अरे यार कुछ नहीं होने वाला है मेरा भाई, क्या मैच चल रहा है यहाँ पर, इंटरेस्टिंग मैच हो चुका है। फिर से एक विकेट गिर गया एंड यहाँ पर रमेश राजा आउट हो चुका है। 20 गेंद पे 7 रन, 6 गेंद पे 10 रन चाहिए भाई, उठा दे, एक उठा दे भाई, उठा तो दिया, चौका या छक्का, चौका भाई साहब, एक चार मार दिया, यही जरूरत था, ऐसे चौका का एक जरूरत था, 4 रन मार दिया। 2 गेंद पे 6 रन चाहिए, मैच हो चुका है यहाँ पर इंटरेस्टिंग एंड भाई कनेक्ट हो जा यार, क्या कर रहा है तू, फिर से डॉट गेंद, 1 गेंद पे 6 रन, पॉसिबल है नहीं, मतलब मैच गया हाथ से गया, हमारे मतलब बाप को मत सिखा, चल लास्ट गेंद 6 रन चाहिए, पॉसिबल मुझे लगता नहीं है होगा, नहीं हो पाया। 107 किलोमीटर पर आवर, तुम एक फास्ट बॉलर हो भाई, 140 पे डालो ना, एक स्पिनर इतने तेज डालता है, क्या करता है भाई, मैच हरा दिया यहाँ पर क्लाइव लॉयड ने, 4 रन से मैच जीत चुका है, इतना कम टारगेट था 42 का, वो भी मैंने कर नहीं पाया 10 ओवर में भाई, मतलब खेलना नहीं है भाई मेरे को। एंड यहाँ पर प्लेयर ऑफ द मैच हुआ है अल्विन कलीचरण, भाई देखो कलीचरण ने 18 गेंद पे 14 रन बना के मैन ऑफ द मैच हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखो एक तो जावेद मियाँ है 21 गेंद पे 8 रन बनाया एंड रामेश राजा है 20 गेंद पे 7 रन बनाया, इस पिच पे भाई बैटिंग करना ही मुश्किल था, और ऊपर से यहाँ पर पाकिस्तान हार भी गया 4 रन से। तो आप लोग यहाँ पर स्टैंडिंग देख सकते हो, आज ग्रुप डी का मैच था एंड यहाँ पर वेस्ट इंडीज इस वाले मैच को जीतने के बाद भी नंबर 2 पे है, क्योंकि वेस्ट इंडीज 3 मैच पे 2 जीता एंड ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे, ऑस्ट्रेलिया 3 मैच के अंदर 3 मैच ही जीता है। तो हर एक ग्रुप से सिर्फ टॉप टीम क्वालिफाई करने वाला है नॉकआउट स्टेज पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बाकी के टूर्नामेंट भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड आप लोग यहाँ पर स्टैट्स भी देख सकते हो, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ पिछले वाले मैच पे जो था, आज इस वाले मैच के बाद सेम ही यहाँ पर स्टैट्स है, तो स्टैट्स में कोई चेंजेस नहीं है। तो गाइस इस वाले वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना, लेकिन क्या ही बताए भाई, ये मैच हार गया एंड सबसे बड़ी बात है इस वाली गेम पे ना, फास्ट बॉलर का जो स्लोअर गेंद होता है वो खेलने में सबसे दिक्कत होता है, स्पिनर को तब भी खेला जाता है लेकिन फास्ट बॉलर का जो स्लोअर गेंद होता है भाई क्या है बताए। तो इस वाले मैच हम हार गया, मतलब पाकिस्तान हार गया, तो कैसे लगा कमेंट सेक्शन पे बताना, लाइक कर देना इस वाले वीडियो को। तो गाइस मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।